तैयारी करिए ना भैया, अपने एरिया में करिए। आपका स्वागत है, ये झारखंड का पैसा है। आप किसी के छठारी में नाचने नहीं आ रहे, आप किसी का शादी में नहीं आ रहे, तो आप नहीं आए क्योंकि अभी अभी तुरंत सूचना मिला है कि एसडीओ सर भी आपका वीडियो देख चुके हैं और वीडियो के माध्यम से वो भी डर गए हैं। वो खेसारी लाल यादव को प्रशासन देने से मना कर दिए हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, अगर वो नहीं आते तो अच्छा रहता, अगर वो आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। थाना पुलिस से कौन डर लगता है? खुलेआम देखिए, सर पे कफन लेके चल रहे हैं, बिरसा मुंडा के धरती से है, सिद्धू कानू के धरती से, जेल और फांसी से कौन डरता है? ऑन स्पॉट बोलते हैं, जेल से नहीं डर लगता है, ना केस खाने से डर लगता है। इस मिट्टी के लिए जान भी देने के लिए आज का नौजवान तैयार है। विष्णुगढ़ का थाना में एक दरोगा को मैंने जेल घुसाया। उस दरोगा को मैं पहले समझाया था कि तुमको जेल के अंदर भेजेंगे। सिर्फ जेबी केसेस नहीं, तमाम ऐसे झारखंडी जो किसी और पार्टी में है उन्हें भी लगता है कि ये लड़ाई सही है, तो सभी लोगों का वहां स्वागत है। सभी लोग आइए, हम लोग कोई पार्टी के बैनर तले नहीं, हम लोग झारखंडी होने के नाते भोजपुरियों का। तो जोहार नमस्कार, आप लोगों को पता ही होगा कि झारखंड में पिछले 2.5 सालों से भाषा बचाओ और यहाँ की स्थानीय नीति की लड़ाई लगातार चलते आ रही है। उसी बीच एक बड़ी खबर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि हजारीबाग में सूर्यकुंड, जो कि सूर्यकुंड के नाम से प्रचलित है पूरे झारखंड में और अन्य जगहों में, वो नाम सूर्यकुंड के नाम से ही जाना जाता है, जहाँ पे एक बिहार के कलाकार खेसारी लाल यादव को 10 जनवरी को बुलाया जा रहा है प्रोग्राम को लेकर। तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अभी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां तक देखा जाए कि जेबीकेसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध इसीलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेबीकेसेस आज भाषा को बचाने को लेकर आज 2.5 सालों से आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बाहरी भाषा को ही बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ है प्रेम नायक दा, जो कि एक अच्छे सिंगर भी है और जगह जगह कहीं भी जेबीकेसेस का सभा वगैरह होता है वहाँ अपना गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। प्रेम दा, सबसे पहले जोहार रहेगा दादा। जोहार जोहार दादा। आपके हजारीबाग में हमने सुना है कि खेसारी लाल को बुलाया जा रहा है। देखिए, खेसारी लाल यादव जी को हम लोग मान सम्मान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड में झारखंडी बोलेगा, झारखंड में झारखंडी दहाड़ेगा, अब किसी का नहीं चलेगा। और हम नौजवान तैनात है, उसको आर और पार का चेतावनी भी दिए हैं और उनको गुजारिश भी किए हैं, निवेदन भी किए हैं, प्रार्थना भी किए हैं कि आप झारखंड में झारखंडियों को अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर जिस तरह से आप फरियाना चाहते हैं, जिस तरह मैदान में उतरना चाहते हैं, हम लोग तैयार है उसके लिए। अगर 22 लाख रुपया हमारे झारखंडी भाई को मिलेगा, अगर 22 लाख में आदल 10 लाख रुपया भी हमारे झारखंडी कलाकार को मिलता तो शायद 15 से 20 दिन हम लोग कार्यक्रम करके देते और झारखंड के इतिहास में पन्नों में उसको लिखा जाता। दादा, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि वो एक कलाकार है, कहीं भी जाके वो कला अपना प्रदर्शित कर सकता है। तो आप लोग कलाकारी करिए ना भैया, अपने एरिया में करिए, आपका स्वागत है, ये झारखंड का पैसा है। आप किसी के छठारी में नाचने नहीं आ रहे, आप किसी का शादी में नहीं आ रहे, हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ सूरज कुंड मेला उसमें आ रहे हैं और वहां तमाम झारखंडी लोग जाएंगे। आप उन्हें डैमेज करना चाह रहे हैं, हमारा भाषा आंदोलन से जो हमारी लड़ाई शुरू हुई थी उसको आप खत्म करना चाहते हैं और बाहरियों का साथ आप मिल करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज एसपी डीएसपी आप जनप्रतिनिधि बाहरी लोग हैं, वो लोग मिलजुल करके खेसारी को बुला रहे हैं। दादा, जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कहीं आप बोले कि 22 लाख में खेसारी लाल को बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेला में करोड़ों रुपया खर्च आएगा, तो उसके लिए जैसे हम लोग सभा उभा कराते हैं तो हमें अनुमंडल से लेना पड़ता है अनुमति, तो जो अधिकारी लोग अनुमति दिए उन्हें नहीं पता कि झारखंड में अभी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और किस कैसे अनुमति दे दे खेसारी लाल को यहाँ प्रोग्राम करने का। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि विष्णुगढ़ का थाना में एक दरोगा को मैंने जेल घुसाया। उस दरोगा को मैं पहले समझाया था कि तुमको जेल के अंदर भेजेंगे। आज सदर जेल, सेंट्रल जेल हजारीबाग में वो बंद है। आप देख सकते हैं मनोज कुमार एसआई, सेंट्रल जेल हजारीबाग में बंद है और वो जयराम महतो जैसे लोगों का जो हम लोगों को जागरूक किए हैं उनका देन है। आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और एक एक झारखंडी चैलेंज करता है, भोजपुरी नहीं चलेगा। और मैं आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि तमाम झारखंडियों को आज ठगा जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमको सीधा साधा समझा गया है। अब थोड़ा टेढ़ा बनने का जरूरत है, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाइए, सीधा बात रहिएगा, खच खच कटाइएगा, टेढ़ा बनिए। अब
टेढ़ा इसलिए क्योंकि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपका भाषा में अतिक्रमण हो रहा है, आपका नौकरी में अतिक्रमण हो रहा है, आपका हर अधिकार में, चाहे वो नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो या उद्योग नीति हो, सब तरह का नीति में आपका अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए भाषा को बचाना होगा, मिट्टी को बचाना होगा, संस्कृति को बचाना होगा, और कहीं ना कहीं ये बचाने सीधा से नहीं चलेगा, उलगुलान तो जरूरी है। इसलिए उलगुलान करने के लिए तमाम झारखंडियों को 10 जनवरी को सूरज कुंड मेला में आने की जरूरत है। आज 7 तारीख हो गया और 2 दिन बाद यानी कि 10 तारीख आने वाला है, खेसारी लाल का यहाँ पे आगमन भी होगा। JBKSS क्या कुछ करेगी इस आंदोलन की लड़ाई को अपना बढ़ावा देने के लिए और इस बाहरी भाषा को यहाँ से भगाने के लिए? सिर्फ JBKSS नहीं, तमाम ऐसे झारखंडी जो किसी और पार्टी में हैं, उन्हें भी लगता है कि ये लड़ाई सही है, तो सभी लोगों का वहाँ स्वागत है। सभी लोग आइए, हम लोग कोई पार्टी के बैनर तले नहीं, हम लोग झारखंडी होने के नाते भोजपुरी भाषा का विरोध करते हैं, और हमारे पैसे जो दूसरे राज्य में जाएगा, हमारे चंदा और हमारे जो NGO का पैसा है वो दूसरे राज्य के कलाकार ले जाएगा, इसलिए दुख है। और तमाम हम लोगों को एकजुटता का परिचय देते हुए उस दिन उलगुलान करना होगा, क्रांति करना होगा, और वहां पर भोजपुरी भाषा का हम लोग विरोध करेंगे, खेसारी लाल यादव का विरोध करेंगे, और ऐसा ही जगह नहीं, झारखंड का हर कोना, जहां भी अगर भोजपुरी कलाकार आएगा उसका JBKSS विरोध करेगा। दादा, आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो किस प्रकार से आप लोग करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पहले बैठेंगे, और हम लोग तमाम जितने भी लोग आएंगे वो सब लोग, हम लोग वो मेला कमेटी से अनुरोध करेंगे कि खेसारी लाल यादव अगर आ भी गए हैं तो उनको वापस भेज दिया जाए, और आपके चैनल के माध्यम से अगर वीडियो वहां तक पहुंचता है तो आप नहीं आए, क्योंकि अभी अभी तुरंत सूचना मिला है कि SDO सर भी आपका वीडियो देख चुके हैं, और वीडियो के माध्यम से वो भी डर गए हैं, वो खेसारी लाल यादव को प्रशासन देने से मना कर दिए हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, अगर वो नहीं आते तो अच्छा रहता, अगर वो आएंगे तो हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। किस तरह से आप लोग विरोध कीजिएगा? विरोध करेंगे, हम लोग वहां पर मेला कमेटी से बात करेंगे, और उसको जिस भी तरह से हम लोग कहेंगे कि मेला में खेसारी लाल यादव नहीं आना चाहिए, उसका प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, अगर वहां नहीं मानता है शांतिपूर्ण तरीके से तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो आपको थाना पुलिस वाले डाल देंगे अंदर। थाना पुलिस से कौन डर लगता है, खुलेआम देखिए सर पे कफन लेके चल रहे हैं, बिरसा मुंडा के धरती से है, सिद्धू कानू के धरती से, जेल और फांसी से कौन डरता है? ऑन स्पॉट बोलते हैं, जेल से नहीं डर लगता, ना केस खाने से डर लगता है, इस मिट्टी के लिए जान भी देने के लिए आज का नौजवान तैयार है। आपके संविधान में ये लिखा है कि बाहर के कलाकार को आप अपने राज्य में प्रोग्राम नहीं करने देंगे? नहीं, छेठारी में और शादी में बुलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में झारखंडी सांस्कृतिक को अगर उनके मान सम्मान पर उनके कलाकारों को अगर अपमान पहुंचेगा तो हम उनके साथ हैं, हम लड़ेंगे, और झारखंडी भाषा को अगर डैमेज करने का कोशिश किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेम नायक अकेले इस आंदोलन को इस आग की तरह बढ़ा रहे हैं, प्रेम नायक को यदि पुलिस प्रशासन के लोग अंदर कर देती है तो फिर तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं हमको लगता है थम जाएगा। नहीं, प्रेम नायक अकेले नहीं है, तमाम JBKSS के टीम है और JBKSS के हजारों हजार समर्थक हैं, प्रेम नायक अकेला नहीं है। आप तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे 10 जनवरी को खेसारी लाल आ रहे हैं उसको लेकर? 10 जनवरी को मेरा अनुरोध है कि अगर आप भाषा बचाना चाहते हैं, अपने मिट्टी से प्रेम करते हैं, तो इस आंदोलन में जरूर आइए, क्योंकि भाषा हरे लो तो सब चीज दिशा ही राजितो, सब खत्म हो जितो। हमने इनके भाषा में अतिक्रमण करके वो लोग ये भोजपुरी भाषा को मान्यता दिया है कि हाँ भोजपुरी भी चलता है। अरे भोजपुरी कौन बोलता है जी, हमारा झारखंड में भोजपुरी शहर में बोला जाता है, हमारा गाँव तो झारखंड के गाँव में बसता है, झारखंड गाँव में है, शहर में बाहरियों का कब्जा, इसलिए भोजपुरी बोला जाता है। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा गुजारिश है कि भोजपुरी भाषा को जो आप लागू किए हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है उसको लागू किया जाए। इसीलिए मैं दादा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लोग बाहरी कलाकार को मंगाकर बाहरी वातावरण को तैयार करके और फिर कहते हैं कि भोजपुरी भाषा भी यहां का भाषा है, ये भाषा नहीं है। हमारे यहां का जो भाषा है वो संथाली, कुड़माली, खोरथा, आदिवासी, नागपुरी, यही सब है जो हमारा भाषा है, यही जो चल रहा है वही चलेगा। बाहरी भाषा हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमेशा विरोध करते आए हैं और करेंगे। दादा, और भी लोकसभा क्षेत्र है हमारे झारखंड में, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि हजारीबाग में ही कभी अचरा सिंह आ जाती है तो कभी खेसारी लाल, हजारीबाग में ही भोजपुरी कलाकार को ज्यादा बढ़ावा क्यों दिया जाता है? क्योंकि सांसद विधायक बाहर के हैं तो कहां का मंगाएंगे बताइए।
सांसद भी बाहर के हैं, विधायक भी बाहर के हैं, एसपी डीएससी डीएसपी जो भी आते हैं सारा पदाधिकारी बाहर के रहते हैं, तो आपको और हमको एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे। और लोग तो लूटने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं जिन्होंने प्रोग्राम करवा रहे हैं उनका साइड में हम देखे थे बैनर में लगा हुआ था, वो खुद के नीचे समाज सेवी लिखे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं मैं भी झारखंडी हूँ दादा, आदमी है, मैं भी झारखंडी हूँ, और कल के डेट में मैं बिकाऊ हो जाऊँ, दलाल बन जाऊँ, तो क्या आप मेरा वाहवाही करेंगे क्या? इस मिट्टी के हो या बाहर के हो, दलालों की जो हर पड़ोसी में, हर हमारा मोहल्ला में जो एक दलाल छुपा है उसको पहचानने का जरूरत है। हर मोहल्ला में जो स्कॉर्पियो पे घूमता है, जो कल के डेट में साइकिल पर घूमता था आज स्कॉर्पियो खरीद लिया है, उसको पहचानने की जरूरत है, उसका पैसा कहाँ से आता है। तो दलाल ही नहीं चलेगा, इस मिट्टी से जो प्रेम करेगा, इस मिट्टी में जो दफन होना चाहेगा या बलिदान देना चाहेगा, और इस मिट्टी को बचाने के लिए, इस भाषा को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए जो आगे आएगा वही असली झारखंडी कहलाएगा। 10 तारीख का पूरा प्लान बना लिए या फिर बनेगा प्लान? प्लान ऑलरेडी हो चुका है और तैयारी बढ़ चढ़ करके रोज हमारा सभा हो रहा है, सभा में जा रहे हैं, वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं और मीटिंग भी चल रहा है और बड़ी जत्था के साथ लोग वहाँ पहुँचेंगे। कब तक सूचना आएगा किस तरह से विरोध करना है उसका? विरोध सूचना का विरोध जो करना है वो हो चुका है, सभी लोग 10 जनवरी को हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे, आप लोग भी आइए। और क्या रहेगा दादा? 10 बजे सुबह सूरज कुंड, जो सूरज कुंड है बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और ये हजारीबाग जिले के अंतर्गत है, वहाँ पे आइए, सूरज कुंड मेला जहाँ लगता है वहीं पर हम लोग रोड से विरोध करना शुरू करेंगे। एक मैदान है वहाँ पर हम लोग जुटेंगे और उसका विरोध करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ प्रेम नायक जी थे, जो कि लगातार जेबीकेएसएस की विचारधाराओं को लोगों तक गीत संगीत के माध्यम से लेकर पहुंचाते हैं। और ये अभी हजारीबाग से चल के अभी देख सकते हैं यहाँ पे जनसभा रखा गया है, आशीर्वाद जनसभा, जिसको लेकर अभी यहाँ पहुंचे हुए थे। तो ये सोशल मीडिया में ये पोस्ट किए थे जो खेसारी लाल, हमारे चैनल में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये दादा ही डाले थे, उन्हीं को देखकर मैंने भी ये चीज विरोध किया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और कौन कौन लोग हमारे दादा के साथ 10 जनवरी को आ रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा। क्या कि बाहरी भाषा को हमें झारखंड से भगाने को लेकर ही आज 2.5 साल से आंदोलन लगातार चलते आ रहा है। उसके बाद भी यदि बाहर के आदमी आके यह प्रोग्राम करते हैं, अपनी भाषा में गीत गाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।